which is enlighten you. All right? Ladies and gentlemen, Mayank Tiwari. Please give you. All right. Remember the bar that like finds the moon and like says fuck off the sun? That's the hair, man. That's what you're saying, right? Yeah? तो अमित हैज उसने मेरी कविता की शुरू की लाइनें तो पढ़ दी हैं और आई थिंक माय पोएम इज नॉट एज गुड एज हिज बट स्टिल इस कविता का नाम है लेखक. ये हम सब के बारे में ही है जो यहाँ पर पोइट्री वगैरह पढ़ने आते हैं. जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं लिखता हूँ. जी चाहे पढ़ लो जी चाहे लड़ लो. जीवन जैसा दिखता है लेखक वैसा लिखता है. जीवन को जीना है लेखक को पीना है. लेखक लेखक जीना पीना. इन द एंड मेरे दोस्त राज लव्स टीना. जो है वो रियली है क्या वाकई है तो क्यों. एक ओर है रात दिन का छंबा दूसरी ओर रम का खंबा. दोनों में जीवन भी है जहर भी प्रेम भी है खहर भी. और अगर नहीं है इस सपने में नींद के बिछाने के सिवा कुछ भी और तो क्यों ना सब भुला पीता रहूं और जीता रहूं उन प्यालों में उन ख्यालों में. और नकार दूं गच से उस सच को जिसे खोजा तो पाया कि खोजना ही है. खोजते रहना बहते हुओं को देखते हुए बहना. ढूंढना अपने आप को उसी गंदे कॉम्प्लिकेटेड से पानी में मानो कोई सच हो किसी कहानी में. कहानी क्या थी बातें थी बातें इधर की उधर की अपने छोटे से घर की जिसमें सालों पहले डेमोक्रेसी की नहर आई थी साथ सेक्युलरिज्म का मीठा जहर लाई थी. आज सच को खोजा तो लिखाई दिखाई दी कल्पना याद आई घर याद आया और मूली याद आई. कड़वी कभी 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 मीठी कभी सड़ी सी मूली. और याद आया रसोई के पीछे मिट्टी में दबा मेरी माँ का मन जो कहता था खुद को गार्डन. दिखाई दी उसमें आलू की फसल जमीन के दो गज नीचे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी से ओत प्रोत बैक्टीरिया से लैस. और फिर रियलाइजेशन हुआ उस सच का जिसका ट्रूथ टेबल रात को तारों में और दिन में अखबारों में छिपता है. चमकता है अर्थ में व्यर्थ में खेल में तेल में जेल में बेल में. और पूछता है तारों से अखबारों से नेताओं के प्रोवोकेटिव नारों से कि भैंग चोर ये सब क्या हो रहा है. Thank you.